ओके चिल्ड्रन, विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन 51 to 60 ऑफ चैप्टर 32 SCV 2। 51 क्वेश्चन देखेंगे पहले। अ मीटर इज कंस्ट्रक्टेड विच कैन रीड द करंट, दिस इज द रेंज एन आई इज गिवन। इफ द कॉयल इज द रेजिस्टेंस 25, गैल्वेनोमीटर का जो कॉयल होता है उसका 25 है एंड टेक्स 1 mA, इट इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG। वट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट यूज, S निकालना है। ये सर्किट डायग्राम है इसका, ये दोनों ब्रांचेस देखो यहाँ से और ऊपर से पैरेलल में है, तो पोटेंशियल सेम होगा I1 × S और ऊपर का क्या है IG × G, नीचे I-IG है ये। इसमें करंट जो है I इधर से आया, IG गैल्वेनोमीटर में गया तो बाकी इसमें आएगा, तो I-IG × S। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, ये वैल्यू जो है बहुत छोटी है तो इसमें से 2 में से सब्ट्रैक्ट नहीं भी किया तो चलेगा, 2 एज इट इज़ 2 रख दिया, तो थर्ड डेसिमल के थर्ड डेसिमल थर्ड पोजीशन पे डिफरेंस आता है अगर हमने इसको नेगलेक्ट भी कर दिया तो इतना आएगा रेजिस्टेंस। शंट इट इज़ अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, है ना। तो ये फार्मूला याद कर लो, आगे भी काम आएंगे। कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इंटू अ मीटर, वोल्ट मीटर का ऊपर डिस्कस कर चुके, अभी कंबाइंड क्वेश्चन है दोनों का मिला के। वोल्ट मीटर कॉयल है दिस मच रेजिस्टेंस, है ना, ये दिया है दिस मच कॉयल का जी इतना दिया है, और सीरीज के साथ जो लगाते हैं वो इधर है, यहाँ पे जो लगाते हैं वो हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इट कैन नीड पोटेंशियल डिफरेंस अप टू 12 volt, वी उसकी रेंज 12 दी है। इफ दिस कॉयल इज यूज टू कंस्ट्रक्ट द मीटर विच कैन मेजर द करंट अप टू 2, करंट की रेंज 2 दी है, शंट निकालना है, ठीक है। तो ऊपर वाली कंडीशन से पहले जी निकाल लेंगे, तो ये फार्मूला होता है वोल्ट मीटर का, V = IG × G + RS, सीरीज रेजिस्टेंस है और ये शंट रेजिस्टेंस होता है, ये IG फुल स्केल डिस्प्लेक्शन करंट। तो यहाँ से IG आ गया 10⁻², फिर मीटर वाले उसमें पुट कर दिया, ये ऊपर जो अभी पढ़ा हमने रिलेशन उसमें पुट करके सॉल्व करेंगे तो शंट की वैल्यू 0.25 आएगी ओम में, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है ये। ऑलराइट, व्हाट वी हैव डन, गिवन कंडीशन से वोल्ट मीटर का फार्मूला लगाया तो उससे IG निकाला, फिर अमीटर का फार्मूला लगा के शंट की वैल्यू निकाल ली गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन पे आते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर, एक्चुअली ये मीटर बेस है, ठीक है। इस 40 cm लॉन्ग, वेयर शुड द फ्री एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर बी कनेक्टेड विद AB सो दैट गैल्वेनोमीटर में भी 0। तो वही R1/L1 = R2/L2, 8/L/12 रिमेनिंग लेंथ, टोटल 40 है, 40 में से L माइनस कर दो, 16 आएगा आंसर इसका सॉल्व करने से, 54। फिर से ये गैल्वेनोमीटर ब्रिज है, ठीक है, तो सेम फार्मूला R1/L1 = R2/L2, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, नो डिफरेंस। फिफ्टी फाइव देखेंगे, 6 volt की बैटरी है, ये लेंथ ऑफ वायर इज 100, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर बैटरी ऑफ 4 volt एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm इज ज्वाइंट एट A, ठीक है। टेक द पोटेंशियल ऑफ B इज 0, इसका 0 ले लेंगे, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट A and C, तो ये 6 volt की बैटरी है तो ये 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नीचे वाली ब्रांच देखेंगे, अगर ये 6 है और यहाँ पर 4 है तो 6 - 4 ये 2 बचेगा, तभी तो 6 - 2 = 4, तो VC विल बी 6 - 4 = 2।
उसके बाद इफ ओके एट विच पॉइंट डी ऑफ द वायर ए बी द पोटेंशियल इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट सी. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फार्मूले से इसका ईएमएफ फाई इंटू बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ को हम एल वन लिख लेते हैं, ठीक है. तो फोर पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, सिक्स वोल्ट का 100 सेंटीमीटर पर ड्रॉप हो रहा है, तो सिक्स अपॉन 100, तो यहाँ से 66.7. यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना पड़ता आए करंट निकालने के बाद, ठीक है. उसके बाद क्या बोला है, इफ़ द पॉइंट सी एंड डी आर एट कनेक्टेड आर कनेक्टेड बाय द वायर, इसको हमने कनेक्ट किया तो ये इसका पोटेंशियल और इसका सेम है, वी डी इज इक्वल टू वी सी, तो करंट फ्लो होगा नहीं, ज़ीरो. डी ऑप्शन देखते हैं, इफ़ 4 वोल्ट बैटरी इज रिप्लेस बाई 7.5 वोल्ट बैटरी वॉट विल बी द आंसर ऑफ ए एंड बी, वट द आंसर चेंज, यस दोनों यस चेंज हो जाएगा, एंड ए का पोटेंशियल तो 6 रहेगा बट बी का सी का पोटेंशियल जो है 6 माइनस 7 पॉइंट, तो -1.5 वोल्ट दिखाएगा ये, और बैलेंसिंग पॉइंट बाहर निकल जाएगा, तो इसका मतलब ये 6 है तो इसका यहाँ पे ड्रॉप 7.5 का, तो ज़्यादा लंबी वायर चाहिए तो डी विल नॉट बी ऑप्टेंड. 56 कंसीडर पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, द पोटेंशियोमीटर वायर इज 600 सेंटीमीटर लॉन्ग, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ए वुड द जॉकी बी टच द वायर टू गेट 0 डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, कहाँ पे टच करें कि 0 दे, ठीक है. तो पहले करंट निकालना पड़ता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है या यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो करंट निकालना पड़ेगा. आई इज इक्वल टू नेट ई एम एफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, ये एक्टिव लूप होता है, इसका ई एम एफ एंड इसका पूरे लूप का रेजिस्टेंस चाहिए होता है, तो इतना आ गया. और इसका बैलेंस ई एम एफ कितना है, आई इंटू सिग्मा इंटू एल, फाई को हमने आई इंटू सिग्मा लिखा, करंट इंटू सिग्मा, सिग्मा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ए बी, तो करंट हमने ऊपर से निकाला और सिग्मा इज आर बाई एल, इसका रेजिस्टेंस कितना है 15 आर सॉरी, लेंथ कितनी है 600, है ना. इनफैक्ट पोटेंशियल इज इक्वल करंट इंटू वोल्टेज, तो ये वोल्टेज हो जाए सिग्मा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस, पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस इतना, तो लेंथ एल का एल, तो ये 1 मीटर का है तो एल मीटर का, तो ये रेजिस्टेंस ओम्स ला, वी इज इक्वल टू आई आर ही है देखा जाए तो ये दोनों मिला के रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो यहाँ से 320 मिलेगा ये वैल्यू पुट करने के बाद, आई की वैल्यू ऊपर से सिग्मा की इस रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ और ये बैलेंसिंग लेंथ, तो 320 पे बैलेंस हो जाएगा, ठीक है. बी पार्ट देखेंगे अभी, इफ द जो कि टचेज द वायर एट 650 यहाँ कहीं पे, ये पूरा 600 है उससे पहले, व्हाट विल बी द करंट इन द गैल्वेनोमीटर, तो हमें क्या करना है, 650 का पहले हमने लेंथ रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो 600 का 15 आ रहा है तो 650 से मल्टीप्लाई किया तो ये 14 आर आ जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट का आर, टोटल 15 है तो रिमेनिंग पार्ट का आर आ जाएगा, ठीक है. तो अभी यहाँ से हम ये इक्वेशन बना रहे हैं, देखो इसकी ऊपर वाले लूप की, पहले अपर लूप की ऐसे, तो ई माइनस इससे करंट आई वन आया, इससे आई टू आया, दोनों मिलके इसमें जाएंगे, करंट की डायरेक्शन में जा रहे, आई वन प्लस आई टू इंटू 14 आर, यहाँ तक का 14 आर, फिर आगे का आर बचा है उसमें करंट आई वन रह जाएगा जो ऊपर वाले लूप का आई वन है, और फिर ऊपर में यहाँ पे भी एक है तो उसका भी माइनस आई आर, तो ये सभी राइट साइड में भेज दिए तो प्लस हो जाएंगे टर्म, ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है. ये इक्वेशन आ गया, अभी लोअर लूप की इक्वेशन बनाते हैं. लोअर लूप में ऐसे चले हम, प्लस ई टू बाई टू प्लस ई बाई टू, और ये माइनस आई वन प्लस माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू ये रेजिस्टेंस, तो ये सेम रहेगा तो राइट साइड में आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी सेम है देखो, बाकी इसमें नीचे आएंगे भी करंट के अगेंस्ट में जाएंगे, तो प्लस आई आई टू इंटू आर
और राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, ना सॉरी करंट के अगेंस्ट में नहीं जा रहे, इधर ही जा रहे, तो ऐसे आ रहे, तो ऐसे हम भी आएंगे, तो माइनस आई टू इंटू आर, तो राइट साइड में जाके वो भी प्लस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को तो ये आ जाएगी इक्वेशन। तो वन एंड टू अपने सामने, टू को इधर भेज दिया, तो वन ये जो वाला टू है ना इधर, तो ये 28 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो इक्वेशन वन को 28 से मल्टीप्लाई करो और टू को 16 से, क्योंकि आई वन हमें एलिमिनेट करना है, आई टू रखना है, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 28 से, और सबट्रैक्ट कर देंगे, तो आई वन वाला टर्म चला जाएगा, आई टू वाला बचेगा, और आई टू के लिए सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, माइनस माइनस 3/22 आ रहा, माइनस मीन्स जो हमने करंट की डायरेक्शन ली है उसके अपोजिट होगा, हमने शायद ऐसे लिया है तो करंट की डायरेक्शन ऐसे आएगी, ठीक है, तो माइनस मीन्स अपोजिट, ठीक है, तो 3/22 आर, ठीक है, यू कैन सी द इक्वेशन। नेक्स्ट वन पे चलते हैं, 57, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर शोन इन द फिगर एट स्टेडी स्टेट, है ना, तो यहाँ से स्टेडी स्टेट में ये चार्ज हो जाएगा, इधर कुछ जाएगा नहीं, और इधर का करंट दोनों सीरीज में है, आर इज इक्वल टू वी बाई आर, 1/15 आ गया, तो यहाँ का पोटेंशियल निकाल लो, तो वी इज इक्वल टू आई इंटू इतना ही 10, तो 2/3, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल मिल गया, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी 6 माइक्रो है और वी 2/3 आया, तो 4 माइक्रो कूलम आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस पे आते हैं, फाइंड द करंट इन 20 ओम, इसमें निकालना है, शोन इन द फिगर, तो क्या करेंगे, किरचॉफ लेफ्ट लूप में क्लॉकवाइज लगाएंगे, है ना, ये 5 - I1 × 10 - I1 + I2 × 20 = 0, है ना, उसके बाद राइट हैंड साइड में लगाएंगे, एंटी क्लॉक वाइज है, राइट में हम लोग एंटी क्लॉक वाइज है, तो 5 × this, तो ये सॉल्व किया, ये आ गया इक्वेशन, 1 आ गई, 2 आ गई, दोनों को ऐड कर देंगे, तो 10 I1 + 10 I2, 10 कॉमन लेके इधर I1 + I2 डायरेक्ट मिल जाएगा इस ब्रांच का, विच इज 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 20 विल गिव द पोटेंशियल डिफरेंस 4, और पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो चार एनर्जी मिल जाएगी, यहाँ पे हमने कैपेसिटर बोला लगाने के लिए उन्होंने, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, तो कब हाफ सी वी स्क्वायर से एनर्जी मिल जाएगी 32 माइक्रो जूल। गुड क्वेश्चन, किरचॉफ लॉ प्लस कैपेसिटेंस का फार्मूला। फिफ्टी नाइन पे चलेंगे, फाइंड द चार्जेज ऑन द 4 कैपेसिटर्स, इतना एज शोन एट स्टेडी स्टेट अगेन, तो अपर ब्रांच में यहाँ पे देखो करंट ऐसे, करंट निकाल लेंगे वी बाई आर 1+2, और 6 वोल्ट की बैटरी है, तो 2 आ गया, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया, V1 = 2 × 1, और V2 =, अरे चार्ज भी निकालना है, Q1 = C1V1, फिर V2 निकाला यहाँ का 2 × 2 = 4, चार्ज निकाल लेंगे C2 × V2, ऐसे ही लोअर लूप के लिए भी सिमिलर है, यहाँ से निकाल लिया पहले करंट, फिर पोटेंशियल निकाल ला, फिर चार्ज निकाल लेंगे। 60 देखेंगे, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड बी एंड सी, ए यहाँ पर है या यहाँ पर, एक ही बात है, बी यहाँ पर और सी यहाँ पर ले लो या यहाँ पर ले लो, डजंट मैटर, ठीक है, यहाँ पर ड्रॉप होगा ही नहीं इतने में, तो यहाँ पर पॉइंट ए ले सकते हैं, तब ये दोनों ध्यान से देखो, इस ये सेम पोटेंशियल पे है, इधर वाला ये इनका भी सेम पोटेंशियल है ये वाला, तो ये दोनों ये इधर आ जाएगा पैरेलल में, 6 हो जाएगा, 3 + 3 = 6, ऐसे ये कनेक्ट डिसकनेक्ट करके यहाँ आ जाएगा, बीच में कुछ नहीं है, तो ये पैरेलल में 1 + 1 = 2 हो जाएगा, और ये वाला इस पॉइंट पे आ जाएगा ऐसे, तो इस तरह से सर्किट बन गया, अभी ये वाला कुछ सर्किट में कोई रोल नहीं प्ले करेगा, अभी यहाँ से यहाँ तक, अभी देखो अभी हमने ये पूरा ए सी पे कितना मिल रहा है स्टडी स्टेट पर, करंट फ्लो होता नहीं, ड्रॉप होगा नहीं इसमें,
तो 100 वोल्ट पूरा इस ब्रांच को मिलेगा, ए से बी तक 100 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल चाहिए इतना। इन्वर्स रेशियो आप कैपेसिटर में होता है C2 ये वाला है, C1 ये, C2 इंटू वी अपॉन C1 प्लस C2। तो 2/8 दोनों ऐड हो गए, 6 एंड 2 के हैं, 2/8 इंटू 100, अप्लाइड वोल्टेज 100 है, तो यहाँ पे 25 ड्रॉप होगा, तो यहाँ पर रिमेनिंग 100 माइनस 25 यहाँ पे 75 आ जाएगा BC पर। दैट्स ऑल, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।